विधानसभा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर विधानसभा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर विधानसभा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर विधानसभा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर विधानसभा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी हाय हाय, हाय हाय हाय। जम्मू कश्मीर विधानसभा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर विधानसभा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिटलर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी हाय हाय, हाय हाय हाय। जम्मू कश्मीर विधानसभा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर विधानसभा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू कश्मीर विधानसभा को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राज नहीं चलेगा। थोड़ा नीचे कर लो, लोग बहुत ज्यादा। जी भाई, देखिए जम्मू कश्मीर असेंबली को सस्पेंशन में रखे हुए आज 5 महीने पूरे हो चुके हैं और कोई भी इनिशिएटिव इसको डिसॉल्व करने के लिए नहीं लिया जा रहा है। जोर जबरदस्ती से यहां निजाम को चलाने की कोशिश की जा रही है, कायदा और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एमएलए को फायदा पहुंचाने के लिए असेंबली को सस्पेंशन में रखा हुआ है, सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, इन एमएलएस को पूरा वेतन, तमाम सुविधाएं, सैलरी, पर्क्स, प्रिविलेजेस और रेगुलर असेंबली मेंबर्स की पावर्स दी जा रही हैं, जो संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन है। और केंद्र सरकार के दबाव की वजह से इन लोगों को जो है वो पूरी सहूलियात भी दी जा रही है और असेंबली को गैर कानूनी तरीके से सस्पेंशन में रखा हुआ है। हम गवर्नर महोदय से अपील करना चाहते हैं, राष्ट्रपति महोदय से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस असेंबली को भंग किया जाए, वरना पैंथर्स पार्टी जो है इस मुहिम को और आगे ले जाएगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पैंथर्स पार्टी के लोग जाएंगे और उसके लिए केंद्र सरकार पूरे तरीके से जिम्मेदार होगी।